हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल उल्टा घड़ी। और इस घड़ी पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है, जिपमर का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। और ये पाने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर। आप लोग जानते ही हैं, फिर भी नए लोगों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर इस वीडियो को देख के थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो सच में, तो जाते जाते दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और चाहे तो एक सब्सक्राइब, वो भी दिल से, अदरवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप किस तरह से अपना जो जिपमर एडमिट कार्ड 2018 का रिलीज़ हो गया है वो किस तरह से डाउनलोड करेंगे। और एक बात कहना चाहूँगी, ये जो लिंक है यहाँ पर मैंने दिखा रहा हूँ और बोल रही हूँ, ये डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग डायरेक्टली स्टूडेंट लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और स्टेप वाइज मेंटेन करने के लिए आप लोगों को ये चारों स्टेप मेंटेन करना होगा। कोई भी ब्राउज़र पे जाके उनका जो ऑफिशियल होम पेज है वो डालना होगा, और डालने के बाद उनका जो ऑफिशियल होम पेज है वो ओपन हो जाएगा, और वहाँ पर MBBS एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिट कार्ड करके फर्स्ट ऑप्शन पे आएगा। और वहाँ पर क्लिक करने से नया और एक पेज ओपन होगा, और वहाँ पर आके अपना ID एंड पासवर्ड देना है। देने के बाद मीन्स स्टूडेंट लॉगिन करना है, करने के बाद ही 2018 MBBS एडमिट कार्ड आपके पास डिस्प्ले होगा, जहाँ से आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा प्रिंट आउट एंड डाउनलोड करने के लिए, और इजीली आप कर सकते हैं। सो गाइस, ये जो लिंक मैंने बोला मीन्स वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हम वीडियो के नीचे दे दूंगी, और यहाँ पर पहले दिखा देती हूँ ये चारों स्टेप, ठीक है। तो चलिए, पहले तो हम कोई भी ब्राउज़र पर जाऊँगी, वहाँ पर जाके देखिए www.jipmer.edu.nic डालने के बाद इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। हो जाने के बाद देखिए, फर्स्ट ऑप्शन डाउनलोड हॉल टिकट फॉर जिपमर MBBS एंट्रेंस एग्जाम। ओके, फर्स्ट है जो क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद देख रहे हैं एक नया पेज ओपन हो गया है। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर सिंपली जो मैंने बताया, आपका ID एंड पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर देना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद ही आप अपना जो रिजल्ट मीन्स एडमिट कार्ड है आपके पास डिस्प्ले होगा, और वहाँ से आप और दो स्टेप मेंटेन करना होगा, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये करने के बाद लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद वो जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड सिलेक्ट करके सबमिट बटन होगा, वहाँ पर सबमिट कर देना है। एंड ये तीनों स्टेप देखिए, लॉगिन टू फाइल एंड देन सबमिट एंड व्यू एप्लीकेशन फ्रॉम मीन्स वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, और आपका जो एडमिट कार्ड है इजीली पा सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर सच में ये वीडियो देख के आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो जाते जाते दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चाहे तो एक सब्सक्राइब। ओके, हैव अ गुड डे।